वेलकम वेलकम बैक चैनल गाइड तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केले वीडियो में आज की मार्केट देखेंगे तो बिल्कुल रेंज बाउंड डे था डे एंड में एक शार्प शेलऑफ जरूर देखने को मिला अदरवाइज पूरा दिन देखेंगे मार्केट मोस्टली एक रेंज में थी बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट कोई ट्रेड्स नहीं थे निफ्टी में ज़रूर हमने आपको बताया था 18400 के आसपास से आप पुट्स में एंट्री कर सकते हैं वहां से सेल ऑफ़ देखने को मिल सकता है वहां मेजर रेजिस्टेंस है और काइंड ऑफ वो सेल ऑफ ने बहुत वेट कराया आपको और बिल्कुल डे एंड में हमें वो सेल ऑफ देखने को मिला तो डिटेल में इंटरडी मार्केट भी डिस्कस करेंगे एंड अब कल के लिए क्या सेटअप है क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है कैसी मार्केट एक्सपेक्टेड है काइंड ऑफ मार्केट रेंज में टाइम स्पेंड कर रही है और वीकेंड पर हमने यही डिस्कस भी किया था कि इस वीक हमें इसी टाइप की मार्केट देखने को मिलेगी मार्केट अपर लेवल से फॉल करेगी और डिप्स आते हैं तो वो भी बाय होंगे कोई वन साइडेड बड़े मूव एक्सपेक्टेड करंटली नहीं है और वही देखने को भी मिल रहा है तो कल के लिए भी डिटेल सेटअप की बात करेंगे बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दे चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं आप देखिए ऑलमोस्ट कोई ट्रेड्स नहीं थे बैंक निफ्टी में गैप ऑफ ओपनिंग जरूर हुई लेकिन हमने डिस्कस किया गया था अगर मार्केट अपसाइड भी जाएगी तो भी हम कॉल्स में एंट्री नहीं करने वाले हैं क्योंकि अपसाइड एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस लेवल है फोर्टी 44,000 से 44,160 इस रेंज के बीच में कहीं भी सेल ऑफ आ सकता है तो हम कॉल्स में एंट्री बिल्कुल भी नहीं करेंगे मार्केट में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर रेजिस्टेंस लेवल है और ये प्रीवियस लाइफ टाइम टॉप भी है एक बहुत बड़ी रैली हमने यहां तक कैच की है और यहां पे आपको बता दिया था यहां टॉप है और वहां से बार फॉल देखने को मिल रहा है तो जब भी इसके मार्केट पास आएगी आपको कॉल्स की एंट्री को अवॉइड कर देना है इसलिए कॉल की कोई एंट्री नहीं थी सेकंड कॉल की एंट्री कहां मिल सकती थी इस लाइन पे अब हुआ क्या है ट्रन लाइन कब टेस्ट हुई है डे की लास्ट फाइव मिनट्स में जाकर ट्रन लाइन टेस्ट हुई है तो कहां से इस ट्रन लाइन पर ट्रेड बनेगा और इसके अलावा भी देखो इस जोन में सेल ऑफ तो आना ही था वो हमने डिस्कस किया ही था लेकिन कोई बड़ा ट्रेंडिंग फॉल आना है तो उसके लिए इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा ये भी आपको बताया था तो ऑलमोस्ट कोई ट्रेड्स नहीं थे बैंक निफ्टी में हाँ ये चीज आपको जरूर पता था कि जो बाउंसेज आ रहे हैं ना ये सस्टेन नहीं करेंगे और आपको एटलीस्ट कॉल में एंट्री करके इन बाउंसेस को चेज नहीं करना है कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है मार्केट 44,000 के अबव भी जाएगी तो भी हम कॉल्स में एंट्री नहीं करेंगे बहुत क्लियरली बार बार आपको समझाया था और अगर आपने एडवाइस को फॉलो किया होगा तो एटलीस्ट लॉस नहीं किया होगा आज ऑलमोस्ट कोई ट्रेड्स नहीं थे बैंक निफ्टी में निफ्टी में देखो निफ्टी में क्या डिस्कस किया था और हुआ क्या है निफ्टी में भी मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग और यहाँ हमारा टारगेट था एटीन अब ओपनिंग मिड में हुई और उसके बाद बहुत जल्दी हमारा टारगेट आ गया तो यहाँ भी ऑलमोस्ट ट्रेड्स नहीं बन रहे थे और उसके बाद तो पूरे दिन में क्या हुआ क्या इससे नैरो रेंज में मार्केट टाइम स्पेंड कर सकती है मॉर्निंग का अगर हाफ एन आवर आप हटा दें तो पूरा दिन यहाँ पे आप देखो मार्केट से 15, 20 पॉइंट्स के मिड में टाइम स्पेंड कर रही है इतनी नैरो रेंज थी मार्केट में कोई डायरेक्शनल मूव नहीं आया हमने ज़रूर ये डिस्कस किया था कि 18,400 के आसपास आपको कॉल से एग्जिट हो जाना है यहाँ मेजर रेजिस्टेंस है और यहाँ से सेल ऑफ एक्सपेक्टेड है लेकिन उस ऑफ ने आपको पूरा दिन वेट कराया है ये सेल ऑफ आया ज़रूर लेकिन बिल्कुल डे एंड में जाके ये सेल ऑफ आया यहाँ तो आप प्योरली देखो क्या रेंज में मार्केट वर्क कर रही ऑलमोस्ट तो एक ही ट्रेड था मॉर्निंग में कॉल को कैच करना पॉसिबल नहीं था 18400 से एंट्री जरूर थी पुट्स में लेकिन उसमें पूरा दिन मार्केट ने आपको वेट कराया किसी ने बिल्कुल डे एंड तक होल्ड किया होगा तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिला होगा तो ये आज की इंट्राडे मार्केट थी बहुत रेंज बाउंड लेकिन अब आगे क्या देखो यही बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ यही एक्सपेक्टेड है करंटली मार्केट में अगर मार्केट अपसाइड जाएगी तो अपर लेवल से सेल ऑफ़ आएगा और अगर मार्केट डिप करती है तो लोअर लेवल से बाइंग आएगी और यही देखने को भी मिल रहा है ये वीक ऐसा ही एक्सपेक्टेड है तो कल के लिए लेवल्स और ट्रेड्स की बात कर लेते हैं देखो इमीडिएट सपोर्ट एटीन है उसके बाद एटीन और एटीन लेवल अपसाइड रेजिस्टेंस 18400 उसके बाद 18470 और हमें इस वीक मैंने आपको पहले ही बताया था ना 18000 ब्रेक होता हुआ दिख रहा है और ना 18500 इस रेंज को जो ऑप्शन सेलर है इजीली सेल कर सकते हैं और मार्केट इसी रेंज में रहेगी अभी तक तो यही राइट प्रूव हो रहा है कल के लिए सेटअप देख लेते हैं एटीन अभी करंटली सपोर्ट है अगर ये सपोर्ट कल ब्रेक हुआ मार्केट फर्दर फॉल करेगी आपको पुट्स में एंट्री करनी है एटीन पहला टारगेट ये भी ब्रेक होता है तो फर्दर ट्रेल करो एटीन तक ट्रेल कैसे करते हैं ऑलरेडी आपको समझा दिया है मैंने बहुत डिटेल में लाइव ट्रेड्स के थ्रू वीडियो बना दी है नहीं देखिए जरूर जाके देख लो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या गज़ब की चीज़ है क्या गज़ब का टूल है आपको बहुत बड़े प्रॉफिट्स कैच करा सकता है लाइव मार्केट में लाइव ट्रेड्स के थ्रू समझाया तो वो वीडियो नहीं देखिए ज़रूर जाके देख लो इसके अलावा पहला ट्रेड क्लियर है एटीन के बिलो पुट्स में एंट्री अपसाइड देखो अपसाइड चीज़ करने का कोई सेंस बनता नहीं है क्योंकि तो यहाँ भी बहुत मेजर एक्सटेंस है एटीन फोर हंड्रेड एटीन फोर सेवेंटी के मिड में कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है ये बहुत मेजर एक्स्टेंस लेवल है तो अगर कोई कॉल की एंट्री बन सकती है वो फिर से एटीन थ्री ट्वेंटी लेवल से ही बनेगी अगर मार्केट इस लेवल को टेस्ट करे और होल्ड करे तो आप इस लेवल से कॉल्स में एंट्री कर सकते हैं अदरवाइज कॉल्स की कोई एंट्री नहीं है एटीन थ्री ट्वेंटी कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी में होल्ड किया मार्केट ने साइन दिया रिवर्सल का तो कॉल्स में एंट्री कर लेना और अगर ब्रेक हुआ तो पुट्स में एंट्री है बहुत ही सिंपल सेटअप है बार बार बता रहा हूं अपसाइड बहुत मेजर रेजिस्टेंस है यार इजीली हम इतना अपमूव नहीं करने वाले अब जब अपमूव आना था तो ऑलरेडी आपको बताया था एटीन थाउजेंड से एटीन फोर सिक्सटी तक तब हम गए थे लेकिन अब मार्केट में वो स्ट्रेंथ नहीं है तो अब मार्केट में अपसाइड आपको चेज नहीं करना एटीन फोर हंड्रेड के अबाउट तो स्पेशली कॉल्स को कल आपको होल्ड नहीं करना ट्रेड्स होप आपको क्लियर है एटीन थ्री ट्वेंटी होल्ड किया तो पुट्स में एंट्री सिंपल सेटअप अब ये तो बात होगी चार्ट्स पे ऑप्शन चेन क्या बता रही है वो भी देख लेते हैं चलिए ऑप्शन चेन पे आ जाते हैं ये देखो निफ्टी की ऑप्शन चेन कल भी आपको समझाया था कि एटीन फोर हंड्रेड को ब्रेक करना ईजी नहीं है बहुत मेजर रेजिस्टेंस है यहाँ से सेल ऑफ आएगा इनफैक्ट कल थंबनेल में भी आपको ये लिख के बताया था एटीन फोर हंड्रेड रिवर्सलॉइंट है कल भी ऑप्शन डाटा ये बता रहा था आज भी यही बता रहा है एटीन फोर हंड्रेड में बहुत मेजर एक्सटेंस आप देखो टू लैख थर्टी थाउजेंड हो है कॉल साइड पुट साइड वन लाख एट थाउजेंड मोर देन वन लाख का गैप है तो कैसे ब्रेक हो जाएगा लेवल इसीलिए कल के लिए भी मैक्सिमम कॉल को होल्ड यहां तक ही करना है बहुत मेजर रजिस्टेंस है हाँ यहां से फिर से रिवर्सल प्ले हो सकता है बिल्कुल हो सकता है यहां से आप फिर से आज की तरह पुट्स में एंट्री कर सकते हैं मेजर रजिस्टेंस लेवल है क्लियरली ऑप्शन जी बता रही है और सपोर्ट कल क्या था एटीन टू हंड्रेड लेवल आज क्या है आज एटीन टू हंड्रेड पर तो है सपोर्ट लेकिन अभी इमिडिएट एटीन थ्री हंड्रेड पर भी सपोर्ट बिल्ड हो रहा है आप देखो कैसे टू लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड टू वाई है पुट साइड कॉल साइड वन लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड तो यहां भी बहुत डिसेंट गैप है मोर देन सिक्सटी थाउजेंड टू का गैप हमें यहां भी मिल जा रहा है तो इसीलिए एटीन थ्री हंड्रेड से एटीन फोर हंड्रेड कल के लिए रेंज है तो कल वाली वीडियो में बात की थी उसमें एटीन टू हंड्रेड से एटीन फोर हंड्रेड थी लेकिन आज की ऑप्शन चेन बता रही है कि ये हंड्रेड पॉइंट्स की रेंज है कल और कल भी रेंज बाउंड डे रह सकता है तो ऑप्शन सेलिंग करेंगे वो ज्यादा बेटर रहेगा ऑप्शन सेलिंग आप प्रेफर कर सकते हैं कल भी एक रेंज बाउंड डे ही एक्सपेक्टेड है और ट्रेड्स मैंने ऑलरेडी बता दिए दो चार्ट्स पे ट्रेड बताए थे एक ऑप्शन चेन पर बताया कि एटीन फोर हंड्रेड मिले तो यहां से आप पुट्स में एंट्री कर सकते हैं यह है निफ्टी का सेटअप बैंक निफ्टी में क्या बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं पहली चीज फिर से ट्रेड लाइन पर आ गए हैं तो ये सपोर्ट है ये ट्रेंड लाइन ही ट्रेड डिसाइड करेगी यार अपसाइड तो चेज करना नहीं है कॉल को क्योंकि अगर चेज करने जाते तो देखो डे एंड में फिर सेल ऑफ आ गया है तो कोई फायदा नहीं है इस कॉल को चेज करने का अपसाइड कोई मूव देखने को मिलता नहीं है बड़ा और अपसाइड बहुत मेजर एक्स्टेंस है वहां से बार बार सेल ऑफ आता है तो कल जो ट्रेड्स बनेंगे बैंक निफ्टी में वो ट्रेंड लाइन से बनेंगे अभी ट्रेंड लाइन का लेवल ऑलमोस्ट आ रहा है फोर्टी के आसपास ही एट आ रहा है आप एट ही मान लो ज़्यादा गैप नहीं है तो कल ये लेवल इंपॉर्टेंट है अगर इस लेवल को मार्केट होल्ड करती है निफ्टी की तरह सेम तो कॉल्स में एंट्री लेकिन टारगेट बहुत छोटा है फोर्टी फोर थाउजेंड तक ही आपको कॉल को होल्ड करना है इसके अबाव करना ही नहीं है क्योंकि इसके अबाव बहुत मेजर रेजिस्टेंस है बार बार आपको समझा चुका हूं और अगर ट्रेड लाइन ब्रेक हो गई यानी फोर्टी थ्री एट फिफ्टी लेवल ब्रेक हुआ तो पुट्स में एंट्री पहला टारगेट फोर्टी थ्री सेवन हंड्रेड और उसके बाद फोर्टी थ्री फाइव हंड्रेड लेवल अभी जो मार्केट ट्रेड्स बता रही है वो यही है कि ये ट्रेन लाइन इंपॉर्टेंट है इसी के थ्रू ट्रेड्स बनेंगे होल्ड किया तो बाउंस आएगा लेकिन बाउंस कोई बहुत बड़ा नहीं है आपको 44,000 तक की इस बाउंस को होल्ड करना है ब्रेक कर दिया ट्रन लाइन को तो पुट्स में एंट्री और ट्रन लाइन बनी कहाँ से है वो भी वीकेंड वाली वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है डेली डेली नहीं बताऊँगा होमवर्क आपको करना पड़ेगा आपके जार्ट्स में हमेशा मार्क होनी चाहिए बहुत रिसर्च करके आपको बता देते हैं उसके बाद थोड़ा बहुत काम तो आपको करना पड़ेगा नहीं पता है आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो वीकेंड वाली वीडियो जाके देखो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और साथ से ये लाइन कैसे बनी है किन पॉइंट्स को कनेक्ट करना है ये भी पता लग जाएगा तो ट्रन लाइन जरूर आपके चार्ट्स पे मार्क होनी चाहिए कल के लिए यही इंपॉर्टेंट है इसी के थ्रू ट्रेड डिसाइड होंगे ये था बहुत ही सिंपल और क्लियर सेटअप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें एंड चैनल पर नए तो क्या करना है सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें